हेलो जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सारा एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा सिद्धांत है वो है 5E मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे इससे क्वेश्चन नहीं बनाओ 5E मॉडल से। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इस पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका कोई सा भी टेट एग्जाम हो, कोई सा भी टीचर एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। बिहार स्टेट में अभी भर भर के इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। बिहार स्टेट में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कई सारी जानकारी मिलेगी। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम वाले किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, हमें क्या समझना है, ये सारी चीज़ें। वैसे तो आप ये 5 चीज़ें समझ लेते हैं, अगर 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको ये मॉडल याद हो जाता है, पता लग जाता है कि ये 5 चीज़ें इस मॉडल में पूछी जाती है। शुरुआत करते हैं हम लोग मॉडल की, ठीक है। तो ये है हमारा 5E मॉडल, जिसको हम निर्देशात्मक या फिर रचनात्मक मॉडल भी बोला जाता है। 5E मॉडल क्यों बोलते हैं इसको, 5E मॉडल इसलिए बोलते हैं, देखो पहला ई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों ई लगे हुए हैं, इसलिए इसको 5E मॉडल बोला जाता है। निर्देशात्मक बोला जाता है क्योंकि इसमें टीचर बच्चों को निर्देश देगा। और रचनात्मक बोला जाता है क्योंकि इसमें शिक्षार्थी रचना करता है। कैसे करता है आगे की चीज में हम देखते हैं। सबसे पहली बात इसमें देखने वाली बात है, इसके जो जनक है वो है रोजर बाइबी, ठीक है, रोजर बाइबी ये इसके जनक है। और इन्होंने 5 चीजें बताई है पाठ योजना को तैयार करने के लिए। ये पूरा मॉडल पाठ योजना को समर्पित है। पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, इन्होंने 5 तरीके बताए। इन 5 तरीकों से आप एक बेस्ट से बेस्ट पाठ योजना को तैयार कर सकते हैं, जिसमें से पहला आपका एंगेज होता है, दूसरा आपका एक्सप्लोर होता है, तीसरा एक्सप्लेन होता है, चौथा एलोबरेट होता है, और पांचवा होता है इवेल्युएट। इन चारों को जब ये चारों चीजें प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाती है तो लास्ट में उस चीज का मूल्यांकन कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में देखा जाए तो संलग्न करना, इसको संबंध स्थापित करना भी बोलते हैं, संबंध स्थापित करना, ठीक है। इसके बाद इसको अन्वेषण, इसको खोज भी बोलते हैं, खोज करना, ठीक है, व्याख्या करना, विस्तार करना या फिर मूल्यांकन करना। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो मॉडल है आपका वो पूरा का पूरा मॉडल पाठ योजना को समर्पित है, यानी कि पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये मॉडल पाठ योजना सीखने के निर्माण या फिर रचनात्मकता पर आधारित है। एक पाठ योजना को बेस्ट तरीके से कैसे बनाया जाए, कैसे समझा जाए, ये 5 चीजें इंक्लूड करके किस तरीके से बेस्ट तरीके से पाठ योजना तैयार की जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो 5E मॉडल रचनात्मक मॉडल क्या है, मतलब एक्चुअल क्या है ये। हमने 5 चीजें देखी है वहां पे, आपका संलग्न करने से लेकर और मूल्यांकन करने तक, यानी कि आपका इंगेज करने से लेकर और इवेल्युएट करने तक, ये 5 चीजें देखी थी हमने। लेकिन एक्चुअली क्या चीज है ये, तो वो देखो आप, ठीक है। अपने पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्र स्वयं पता लगाएंगे, ठीक है। कोई भी काम दिया जाएगा उनको या कोई पाठ योजना बनाने के लिए दी जा रही है, तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान क्रिएट करेंगे और फिर उस चीज को स्वयं पता करेंगे जो भी समस्या होगी। इसके बाद छात्र छानबीन जांच करके सीखेंगे, ठीक है, कोई भी चीज होगी छानबीन करके और जांच करके सीखनी है। छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, ये चीज हम ध्यान रखना कि ये जो वर्ड दिए जा रहे हैं जांच करके और सीखना किसके अंतर्गत आता है, 5E मॉडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करना किसके अंतर्गत आता है, 5E मॉडल के अंतर्गत आता है। आपको क्वेश्चन को समझना है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उससे रिलेट करना है उन क्वेश्चन को और सही आंसर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में उन्हें सुविधा प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे। यानी कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी यहाँ पे, जो भी कार्य किया है बच्चों ने जब वो मूल्यांकन कराने के लिए टीचर के पास लेके आएंगे, अगर वो बेस्ट है तो उसको बेस्ट तरीके से उसको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका प्रोजेक्ट बेस्ट है, और अगर कोई कमी होती है तो टीचर उसको मार्गदर्शक के रूप में सहायता प्रदान करेगा कि आप इस चीज में ये चीज इंक्लूड करो या फिर ये चीज ऐड कर लो या फिर इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, तो ये और बेस्ट तरीके से होगा, ठीक है। तो शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी यहाँ पे, सुविधा दाता या फिर मार्गदर्शक के रूप में टीचर काम करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आगे चलते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था वहां पे 5 चीजें थी आपकी, एंगेज से लेकर इवेल्युएट तक, जिसमें पहला आपका आता है एंगेज, संलग्न करना,
ठीक है, ये पहली चीज है आपकी। ये आपका पहला चीज है इंगेज, संलग्न करना। इसमें देखो क्या चीज समझनी है हमें, संलग्न करने से मतलब क्या होता है, इंगेज करने से मतलब क्या होता है। आप पाठ योजना तैयार करने जा रहे हैं, क्या इंगेज होना चाहिए, है ना, वो चीज समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बनने का जो तरीका है वो कुछ इसी तरीके से बनेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस खाली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन जो आएगा सामने उसको आप खुद समझ लोगे। तो समझो कि अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करना शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान उन्हें संलग्न करता है। अतीत यानी कि पूर्व ज्ञान, अतीत से मतलब क्या हो गया, पूर्व ज्ञान, ठीक है, और वर्तमान से मतलब क्या हो गया, नया ज्ञान। आपको जो भी चीज आपको पहले पता थी किसी चीज के बारे में, आपने कोई भी पाठ योजना बनाया, जैसे कि आपने कोई मान लो जियोग्राफी का कोई पाठ बना रहे हो, जियोग्राफी का कोई पाठ योजना बना रहे हो, ठीक है, जो भी आपको उस जियोग्राफी के बारे में पहले से जो पता था, फिर उसको खोजबीन करके आपने कुछ नया भी पता करा, तो इस पूर्व ज्ञान और इस नए ज्ञान के बीच में एक संबंध स्थापित करना है आपको, ठीक है, यहां पर इंगेज स्थापित करना है, ठीक है ना। यही स्थापित करने को क्या बोलते हैं, इंगेज करना, यानी कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, सीधी सीधी सी बात। इसके बाद है शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, शिक्षार्थी का ध्यान मतलब उस तरीके से इंगेज करे शिक्षार्थी कि उसका ध्यान वहां पे आकर्षित रहे, है ना, उसका ध्यान भटके नहीं, इस तरीके से इंगेज करने की कोशिश करे, ठीक है। सीखने के लिए तैयार रहना, यानी कि हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए विद्यार्थी, तभी बहुत ज्यादा अच्छे से संबंध स्थापित कर पाएगा, तभी बहुत ज्यादा अच्छे से संलग्न हो पाएगा उस पाठ योजना के अंतर्गत। इसके बाद है मानसिक रूप से व्यस्त रहना, उसका ध्यान अगर इधर उधर लगा रहेगा, उस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं होगा, तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार नहीं कर पाएगा। तो मानसिक रूप से भी व्यस्त रहना पड़ेगा उसको संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि इंगेज करने के लिए। ये था आपका क्वेश्चन का तरीका। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना होगा, 5E मॉडल के अंतर्गत का क्वेश्चन है और आपको उन चीजों को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण, दूसरा वाला सिस्टम है, मतलब दूसरा वाला पार्ट है आपका, है ना, सेकंड पार्ट है आपका, यहां लिख देता हूं सेकंड पार्ट है। इसमें क्या चीज समझनी है हमें, सक्रिय रूप से खोज करके घटना और सामग्री के साथ सीधे जुड़े, यानी कि आपको जो भी चीजों की खोजबीन करनी है एकदम एक्टिव रह के, जो भी गतिविधियां करनी है बिल्कुल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी करनी है बिल्कुल सक्रिय रह के, है ना, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ भी आ जाए, यानी कि आप इंगेज भी अच्छे से हो जाओ और जो चीज आप खोज रहे हो वो बहुत अच्छे से आपको खोजने को मिले। शिक्षक एवं सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करता है, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको पिछले वाले में, शिक्षक का काम क्या है, सुविधादाता के रूप में काम करेगा, ठीक है। शिक्षार्थी को ज्यादातर टीम के साथ कार्य करने को कहें, टीम के साथ कार्य करने का क्या फायदा है, ठीक है, कोई बच्चा है वो अकेला किसी प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है और एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 स्टूडेंट लगे हुए हैं, ठीक है, इससे जो भी चीज तैयार होगी वो इतनी बेस्ट तैयार नहीं होगी जितनी इन 4 के द्वारा की गई जो भी चीज होगी वो ज्यादा बेस्ट होगी। रीजन कि छात्र संवाद और अनुभव साझा करते हैं, ठीक है, संवाद यानी कि विचार विमर्श, जब ये 4 लोग काम कर रहे हैं आपस में, ये 4 लोग जब आपस में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने विचार विमर्श बता रहे हैं, ठीक है, अपना नॉलेज उनको दे रहे हैं, उनका नॉलेज खुद ले रहे हैं, तो ये चीज टीम के साथ काम करने से ही बनेगी, ठीक है। तो खोजबीन कैसे करनी है, ग्रुप बना के, अकेले करेंगे तो उतना अच्छे से खोजबीन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या, ठीक है, ये है हमारा तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट को समझने के लिए आप देखिए क्या चीज है कि विद्यार्थी अपने अनुभव को संप्रेषण के रूप में शुरू करें, संप्रेषण का यानी कि वही विचार विमर्श के रूप में या फिर बोलकर, इसको आप सीधा सीधे से बोलो बोलकर, ठीक है, अपने अनुभव जो भी उन्होंने फील कराया खोजबीन के दौरान उनको बोलकर व्यक्त करें, ताकि सामने वाले को पता लगे कि आखिर आपने क्या चीज स्पेशल क्या चीज खोजी है, ठीक है, ये चीज क्लियर। इसके बाद उन घटनाओं की व्याख्या करते हुए जो वो खोज रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया जो चीज खोजी है उन चीजों की व्याख्या करें बिल्कुल सरल शब्दों में। प्रत्येक समूह का एक एक करके परिणाम साझा करेंगे, ठीक है, जैसे कि 4 जनों ने एक प्रोजेक्ट पे काम करा था, 4 जनों ने प्रोजेक्ट काम करा, हर कोई जितने भी लोग हैं चारों चारों बच्चे जो भी हैं एक दूसरे से चीजों को साझा करें,
कि मैंने ये चीज खोजी है, मैंने ये चीज खोजी है, मैंने ये चीज खोजी है, मैंने ये चीज खोजी है। अगर चार चीजें खोजी जाती है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर तो प्रोजेक्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर। इसके बाद शिक्षकों के स्पष्टीकरण अवधारणाओं के लिए मानक भाषा प्रदान करते हैं। अगर स्पष्टीकरण में कोई कमी हो तो शिक्षक की कमी को दूर करता है। जैसा कि चार बच्चों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करा है ना, अब उसको व्याख्या करनी है, बताना है टीचर को, तो वो एकदम मानक भाषा बोले तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा नहीं कि बातूनी वाली लैंग्वेज नहीं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ताकि वाकई झलके कि हाँ आपने किसी चीज की खोज करी है, एक वैज्ञानिक तथ्य उसमें दिखे है ना, कोई लॉजिकल बातें उसके अंदर दिखे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। अगर आप वहां पे कहीं अटकते हैं, वो छात्र कहीं अटकता है या वो अच्छे से बता नहीं पाता है, तो जो शिक्षक है वो कमी को ढूंढेगा और कमी को दूर करने में हेल्प करेगा बच्चे की। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ये हो गया आपका व्याख्या करने का तरीका। व्याख्या करना याद रखने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, व्याख्या करने के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है इससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। इसके बाद है हमारा एलोब्रेट, यानी कि विस्तृत करना या फिर विस्तार करना। इसमें भी आपको कुछ चीजें दे रखी है सामने, वो देखो क्या चीजें हैं। ये आपका चौथा है, चौथा पार्ट यानी कि चौथा हिस्सा है। इसमें दिया है कि उनके ज्ञान और समझ को वास्तविक दुनिया में लागू करें, जैसे कि व्याख्या कर ली आपने। ठीक है, व्याख्या कर ली थी यहां पे, तीसरे पार्ट में हमने व्याख्या कर ली थी, यानी कि बोलकर बताया था। अब उस जो बोल के बताया है उसको करके दिखाओ। कोई भी समझ लो कोई एक किरदार है, किसी भी चीज का आप एक किरदार निभा रहे हैं, जैसे कि आप रामायण का कोई एक किरदार निभा रहे हैं, सपोज करिए लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, आपने लक्ष्मण जी के बारे में खूब सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, उनके किरदार के साथ अपने आप को इंगेज भी कर लिया, उनके किरदार के बारे में जो चीज़ आपने जानकारी ली थी वो जानकारी आपने दूसरों को बताई भी सही, सामने वाले को बताई भी सही। अब उस जानकारी को जो बताया आपने वैसा का वैसा करके दिखाना, यानी कि अभिनय करके दिखाना है, यहाँ पे वास्तविक दुनिया में लागू करना है। ठीक है, इसके बाद शिक्षार्थी प्रमुख धारणाओं की गहरी और व्यापक समझ को विकसित करें। कौन करेगा? शिक्षार्थी, यानी कि जो खोज करने वाला है। ठीक है, वो जो भी उसने खोज करी है, जो भी उसने खोजबीन करी है, वो डीप हो, एक तो क्या हो, डीप नॉलेज हो। ठीक है, डीप नॉलेज हो, व्यापक हो यानी कि विस्तृत हो, उस विस्तार रूप में हो, वो विस्तृत हो, ताकि एक एक चीज, एक एक बात, एक एक पॉइंट, सब चीज क्लियर होना चाहिए वहां पे। इस तरह से समझ को विकसित करना है। ठीक है, जो आप जो भी समझ है उनमें इस तरीके से विकसित करनी है, उसको करके भी दिखाना है वहां पे, उसको बोलकर भी दिखाना है वहां पे, सब चीज करनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये आ गया ना, अपने कौशल को विकसित करें, यानी कि जो चीज, जो भी कौशल है उसको विकसित करना है। इसके बाद छात्रों के नए ज्ञान का और इसके निहितार्थ का पता लगाएं, वह समस्या समाधान व उच्च क्रम की सोच को विकसित करें। ठीक है, जो भी नया ज्ञान लिया था, जो भी खोजबीन के द्वारा नया ज्ञान आया है बच्चे में, ठीक है, इसके अंतर्गत समस्या समाधान और उच्च क्रम की सोच को विकसित करें। उस नए ज्ञान के द्वारा समस्या का समाधान भी होना चाहिए और जो सोच होनी है वो हाई लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लो कैटेगरी की सोच हो कि उसको खोजबीन करने का कोई मतलब ही नहीं निकले, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। खोजबीन करिए तो कुछ स्पेशल चीजें आनी चाहिए सामने, वो लॉजिकल होना चाहिए, एकदम तथ्यपूर्ण होना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं प्रूफ्ड, ठप्पा मार के वो चीज होनी चाहिए, ठप्पा मारने वाली चीज कि हाँ ये चीज ठप्पा लगा के हम बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसी खोज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें किसके अंतर्गत आएगी? आपकी विस्तृत करना के अंतर्गत। अगर खाली आप विस्तृत करना याद रखते हो तो क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, लेकिन विस्तृत करना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है ये सब भी आपको ध्यान है तो क्वेश्चन बनने के चांस 100% है, 100% आपका क्वेश्चन सही बनेगा। इसलिए मैं आपको ये पांच जो जानकारी है ये इसलिए इतना डिटेल में लेके आया ताकि आप क्वेश्चन बनाने का तरीका समझें, है ना। मेन मकसद है हमारा क्वेश्चन को बनाना, चीजों को याद रखना ये मेन मकसद नहीं है। याद रखने से अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं होता तो उस चीज को याद रखने का मतलब क्या? जब तक चीजों का सॉल्यूशन हो नहीं तब तक याद रखने का कोई मतलब है नहीं। ये चीज क्लियर हो गई आपकी? विस्तृत करना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से आयोग हमें देता है क्वेश्चन, लगता हमें क्या है कि ये चीज
संलग्न करने से होगा, लगता है ये चीज विस्तृत करने से होगा, लगता है ये चीज खोजबीन करने से होगा, है ना। सब लगता जरूर है, लेकिन आपको बिल्कुल तरीके से समझ के और क्वेश्चन को सही करना है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन 5E मॉडल से। अगर इस तरीके से समझ आप में विकसित हो जाती है तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे। लास्ट है आपका इवेल्युएट करना। जब आप ये चारों चीजें कर लेते हैं, हम ये जो चारों चीजें कर लेते हैं, इंगेज, एक्सपो, एक्सप्लेन, इलोबरेट और फिर लास्ट में करते हैं हम लोग इवेल्युएट, ठीक है। ये है हमारा पांचवा। इसमें क्या है कि ये शिक्षकों को यह करने की अनुमति देता है कि क्या शिक्षार्थी ने धारणा और ज्ञान की समझ को हासिल कर लिया है। यानी कि आप ये समझ के चलो कि किसी बच्चे ने एक पाठ योजना को तैयार करा है, उसके साथ अच्छे से इंगेज हो गया है, उसको एकदम से अच्छे से एक्सप्लोर करा है, उसने खोजबीन करी है, उसके साथ अच्छे से एलोबरेट हो चुका है, उसने विस्तार से उसको बताया भी है सबको सामने, ठीक है। तो अब उसका लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन आपको मैं एक परीक्षा का उदाहरण देता हूं, ठीक है। आपने एक परीक्षा की तैयारी करी, वहां पे आपने इंगेज करा, उस परीक्षा से अपने आप को इंगेज कर लिया, ठीक है, कि हाँ मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है या टीचर एग्जाम की तैयारी करनी है, उस तरीके से आपने इंगेज कर लिया, ठीक है। उसको एक्सप्लोर करा, यानी कि आपने खोजबीन करी कि टीचर एग्जाम में क्या क्या चीजें जरूरी है जो मेरे को पढ़ना होगा, है ना। और फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करा कि मैंने ये चीजें पढ़ी है, ये चीजों की खोजबीन करी है, वो किसी को बताया आपने, ठीक है। अब उसके बाद आपका इलोबरेट हो गया, ठीक है। इलोबरेट सा यानी कि आपने उसको विस्तृत रूप से बताया। अब जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था, टीचर ने आपको एक एग्जाम पेपर दे दिया, आपने जो चीज खोजबीन करी थी उससे रिलेटेड एक एग्जाम पेपर दे दिया। अब वो एग्जाम पेपर भी आपने सोल्व कर लिया तो उसको आप बोल सकते हैं इलोबरेट कर लिया, यानी कि विस्तृत कर लिया, आपने अपने समझ को विस्तृत कर लिया है। उस क्वेश्चन पेपर को भी आपने बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके और दे दिया। तो फिर आपका लास्ट में क्या होगा, एलोवेट। यानी कि अब आपका मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने वो पेपर क्वेश्चन अच्छे से करके दे दिया, आपको अगर अच्छा नहीं होगा वो पेपर, यानी कि 10 नंबर का पेपर है आपका, 10 नंबर से आपने इतना ही कराया कि केवल आपके 5 ही नंबर आए, तो आपको टीचर यहाँ पे बताएगा कि इसमें क्या कमी है, आप उस चीज को और अच्छे से कर सकते हैं। और आपको नंबर दिए जाएंगे यहाँ पे कि 10 में से 5 नंबर आए हैं आपके, है ना। और यहाँ पे अगर आप 10 में से 10 ले आए हैं तो आपको यहाँ पे 10 में से 10 नंबर दे दिए जाएंगे। कुल मिला के आपका टीचर मूल्यांकन करेगा कि आप कितने पानी में, आपने जितनी भी चार प्रक्रियाएं करी है सही करी है कि नहीं करी है, इस चीज का मूल्यांकन करेगा। ये चीज आती है आपकी मूल्यांकन में। मूल्यांकन का मतलब समझने से मतलब नहीं है, 5E मॉडल में मूल्यांकन का क्या अर्थ है इससे मतलब है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर आपकी, ठीक है। और तरीका क्या क्या है मूल्यांकन करने का, देखो उसकी जो भी समझ है उसका अवलोकन करेगा टीचर, चेकलिस्ट के द्वारा मूल्यांकन करेगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के द्वारा मूल्यांकन कर सकता है, प्रोजेक्ट देकर मूल्यांकन कर सकता है, किसी परियोजना को देकर मूल्यांकन कर सकता है, और भी जो मूल्यांकन उपकरण होते हैं, जो भी मूल्यांकन के उपकरण होते हैं उनके जरिए वो आपका मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 5 चीजें। इससे रिलेटेड अगर कोई बात पूछनी है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप करिए, मैं अगली क्लास में या फिर कमेंट बॉक्स में आपके उसको सॉल्यूशन को दे दूंगा, ठीक है। और जो भी क्लासेस हो रही हैं उसका टेलीग्राम पे लिंक जाता है, टेलीग्राम चैनल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक मिल जाता है आपको। और एस्टेट की कुछ प्लेलिस्ट बनाई गई है, बिहार स्टेट के लिए कुछ प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसके बाद प्लेलिस्ट देख लो। फिर कल मिलते हैं हम लोग नई क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।